भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। यहाँ पे पूरी भीड़ है ये माइक ऐसे लगा रहे ना, मोबाइल नीचे करें। क्यों मोबाइल क्या कर रहे भाई? क्योंकि एक हल्का सा कैमरा, हल्का सा साइड से, हल्का जान से धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। SP यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। से बात की, उन्होंने कहा कि छोटा बेटा बाल काटता है, 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए आज आप मेरे को पैसे दे दीजिए, और उसके बाद उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा। फांसी दो के बारे में लोग नारे लगा रहे हैं। देखिए फांसी दो दिख रहा है यार, ये कानून के पर है, ये डिस्प्ले नहीं दिख रहा यार, ये मेरा काम नहीं है, मगर कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार, भाई हटाओ यार ये मोबाइल, थोड़ा सा चली नहीं, उठ नहीं पा रहा है। इस इंसिडेंट में आया हूँ, मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा कि अपना प्रोटेस्ट एंड करने, एज LOP आप भाई अपने लिए ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करने, एज LOP आपका क्या भैया? मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते। वेरी गुड, अभी तक मीडिया सही दिखाया, आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो। और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करता। मैं कलकत्ता केस पे आगे आने वाले समय में बोलूंगा। इस केस में यूपी गवर्नमेंट